कैसे सेक्स की अवधि बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ सेक्स। सेक्स के दौरान अपने पार्टनर की अपेक्षा जल्दी से क्लाइमेक्स पर पहुंच जाना एक बहुत कॉमन बात है, तो इसकी वजह से खुद को कम न आंकें। खुशकिस्मती से ऐसे वो सारे लोग जो इस तरह से जल्दी क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं, वो बेड पर ज़्यादा वक्त तक ठहरे रहना सीख सकते हैं। एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाने से इसके ऊपर कंट्रोल पाने में मदद मिल सकती है और लंबे समय तक टिके रहने के लिए ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स मौजूद हैं जिन्हें आप सेक्स के दौरान यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेक्स को कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट्स और दवाइयों को भी इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। अगर आपका पार्टनर बहुत जल्दी रुक जाता है तो उसके साथ मिलकर एक टीम की तरह इस टॉपिक के ऊपर बात करें, उसके ऊपर सारा दोष मढ़ने से बचें और उसे ये मालूम होने दें कि आप उसके साथ मिलकर फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी को सुधारने के ऊपर काम करना चाहते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव करना, रिलैक्स रहें और खुद को प्रोत्साहित करें। चिंता और अपने ऊपर भरोसे की कमी मूड को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह होती है, तो इसलिए आशावादी नजरिया अपनाने की कोशिश करें। सेक्स की तरफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करना आप दोनों ही पार्टनर के बीच में एक काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने परफॉर्मेंस से जुड़े हुए नेगेटिव विचारों के ऊपर घर बनाकर रहने के बजाय अपने आप में ऐसा सोचें, जॉन जल्दी रुक जाना एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, तुम इससे निपट सकते हो। उद्धरण चिन्ह, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते वक्त अपने आप को इस तरह से अपने नाम से पुकारना काफ़ी असरदार साबित हो सकता है। मास्टरबेशन के दौरान लंबे वक्त तक टिके रहें, मास्टरबेशन के दौरान जल्दी से जल्दी क्लाइमेक्स पर पहुंचने की कोशिश करना भी आपके शरीर को जल्दी से रुकने या सब कुछ जल्दी खत्म करने की आदत डाल देता है। हफ्ते में कुछ बार और सेक्स के कुछ घंटे पहले मास्टरबेशन करना क्लाइमेक्स को कुछ वक्त तक आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, खासकर कि अगर आप मास्टरबेट करते वक्त लंबे वक्त तक बने रहने की प्रैक्टिस करते आ रहे हों। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करना शुरू करें। शीघ्र पतन एजैक्युलेशन को कंट्रोल करने वाली मसल्स की एक्सरसाइज करना आपको लंबे वक्त तक टिकाए रखने में मदद करेगा। इन मसल्स की पहचान करने के लिए यूरिन करते वक्त बीच में रुक जाएं और उन मसल्स को टाइट कर लें जो गैस को पास होने से रोकती हैं। नकी एक्सरसाइज करने के लिए इन्हें 3 सेकंड्स के लिए टाइट करके रखने की कोशिश करें, 3 सेकंड्स के लिए रिलैक्स करें, फिर इसे 5 से 10 बार दोहराएं। इन एक्सरसाइजेज को शुरुआत में लेटकर या बैठकर करना आसान लगेगा, लेकिन इन्हें खड़े होकर भी करने की कोशिश करें। जब आप मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहे हों, रोजाना 10 रिपीटेशन के 3 सेट्स करने का लक्ष्य बनाएं। सिर्फ उन्हीं मसल्स को टाइट करने की कोशिश करें जो यूरिन करने के ऊपर और गैस पास करने के ऊपर कंट्रोल करती हों। आपको सिर्फ अपने बटक्स या थाइस की एक्सरसाइज ही नहीं करते रहना है। एक्सरसाइज करते वक्त नॉर्मल तरीके से सांस लें और अपनी सांसों को रोक कर रखने से बचें। 4. अल्कोहल या और दूसरे ड्रग्स को लेना कम करें। अल्कोहल और इसी तरह के दूसरे सब्सटेंस प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन, शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डायफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और परफॉर्मेंस से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम्स को खड़ा कर देती हैं। सेक्स से पहले ड्रग्स और अल्कोहल को लेना अवॉइड करें और इनके इस्तेमाल के ऊपर रोक या कमी करने की कोशिश करें। 5. अगर हो सके तो एक रेगुलर सेक्सुअल पार्टनर की तलाश करें। अगर आप आमतौर पर सिर्फ डेट किया करते हैं तो अब किसी एक के साथ सेटल होने का फैसला कर लें। किसी एक ही इंसान के साथ इंटीमेट होना सेक्स के दौरान और ज़्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट बनने में मदद कर सकता है। जब आप किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो ऐसे में उसके साथ मिलकर सेक्स लाइफ के ऊपर सुधार करने के बारे में बात करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सेक्स के दौरान टेक्निक्स का इस्तेमाल करके देखना। पहले अपने पार्टनर को एक्साइटेड करने की कोशिश करें। खुद को एक्साइटेड किए बिना अपने पार्टनर को कुछ टेंशन दें या उन्हें आपके सेंसिटिव पार्ट्स को छूने दें। इस तरह से वो आपके एक्साइटमेंट के लेवल से मेल खा सकेंगे और दोनों एक ही वक्त पर क्लाइमैक्स तक पहुँच सकेंगे। धीमे मूवमेंट्स यूज करें। अपना वक्त लेकर आगे बढ़ने से आपको देर तक टिके रहने में मदद मिलेगी, इसलिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश की बजाय अपनी जर्नी को अहमियत देने की कोशिश करें।
सेक्स को एक जल्दबाजी में खत्म किए जाने वाला काम समझने के बजाय इसे एक सेंसुअल डांस की तरह समझने की कोशिश करें। नई पोजीशंस अपनाकर देखें, पोजीशन बदलना आपको उस मौजूदा स्थिति के ऊपर फिर से फोकस करने में मदद कर सकता है और आपके एक्साइटमेंट लेवल को रीसेट कर सकता है। इसके साथ ही नई पोजीशंस को इस्तेमाल करने से आपके शरीर को इसके नॉर्मल रूटीन से हटके कुछ करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर ऐसी कोई एक पोजीशन है जो हमेशा आपके लिए कमाल का काम करती है तो उसे आखिर के लिए बचाए रखें। जब आपको क्लाइमैक्स आता नजर आए तब धीमी गहरी सांसें लें। क्लाइमैक्स को भांपते ही अपनी सांसों को धीमा करने की वजह से ऑर्गज्म रिफ्लेक्स रुक जाता है। हल्की धीमी सांसें लें और सांस लेते वक्त अपने पेट को बढ़ाएं। अपनी सांसों को 2 या 3 सेकंड्स के लिए रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। जब तक कि आपको क्लाइमैक्स जाता हुआ नजर न आ जाए तब तक इस तरह से धीमी सांसें लेना जारी रखें। एक पल के लिए किसी और चीज़ के बारे में सोचें। जब आप करीब जाते हुए नजर आएं, तो उस वक्त पर कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोचकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें जो नॉन सेक्सुअल हों, जैसे कि आपका काम, एक टीवी शो या स्कूल। अपने ध्यान को कुछ वक्त के लिए भटकाने से आपको धीमा पड़ने में और रिलैक्स होने में मदद मिल सकती है। अपना सारा वक्त बस किसी और चीज़ के बारे में सोचते हुए ही न बिता दें। आपको अभी भी उस पल में शामिल रहना है और आपके पार्टनर को खुश करने की कोशिश भी करना है। 6. ब्रेक्स लेने की कोशिश करें। इस स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड में जब आप आखिरी पल आता महसूस करते हैं उस वक्त जरा सी देर के लिए अपने पार्टनर से दूर जाना शामिल है। लगभग 30 सेकंड्स का एक ब्रेक लें, फिर दोबारा सेक्स करना शुरू कर दें। इस स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक को उस वक्त तक रिपीट करते रहें जब तक कि आप और आपका पार्टनर दोनों ही क्लाइमैक्स तक पहुंचने को तैयार न हो जाएं। आप ब्रेक के दौरान गहरी सांसें ले सकते हैं या फिर किसी और चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं। 7. स्क्वीज मेथड को एक मौका दें। स्क्वीज टेक्निक यूज़ करने के लिए जब आप क्लाइमैक्स करीब आते देखें तब अपने पार्टनर से अलग हो जाएं। आप या आपका पार्टनर फिर आराम से पेनिस के उस हिस्से को स्क्वीज कर सकते हैं जहाँ हेड शाफ्ट से मिलता है। कुछ सेकंड्स के लिए स्क्वीज करें, फिर दोबारा सेक्स करना शुरू करने से पहले लगभग 30 सेकंड्स तक का इंतज़ार करें। बहुत ज़ोर से भी न दबाएं और अगर आपको इस टेक्निक को यूज़ करते वक्त दर्द या डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाए तो इसे वहीं रोक दें। प्रोडक्ट्स और मेडिकेशंस दवाइयां यूज़ करना। एक मोटा कॉन्डोम पहने अपने लोकल ड्रग स्टोर में क्लाइमैक्स कंट्रोल कंडोम्स की तलाश करें। ये काफ़ी मोटे होते हैं और कुछ ब्रांड्स में एक तरह का नंबिंग एजेंट होता है जो कुछ वक्त के लिए सेंसिटिविटी को कम करने में मदद करता है। एक डिसेंसिटाइजिंग ल्यूब्रिकेंट का यूज़ करें। आप ऑनलाइन या आपके लोकल ड्रग स्टोर से इस तरह के नंबिंग एजेंट को पा सकते हैं। ये क्रीम, स्प्रे और वाइप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और इन्हें आमतौर पर सेक्स के कुछ 10 से 15 मिनट पहले लगाया जाता है। टिपिकल नंबिंग एजेंट यूज़ करते वक्त अपने पार्टनर की सेंसिटिविटी को कम होने से बचाने के लिए कॉन्डोम पहन लें। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस के बारे में पूछें। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं मिला है तो फिर अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से किसी असरदार ओरल मेडिकेशन के बारे में पूछ लें। सेक्स के कुछ घंटों पहले SSRI के लो डोज लेने से ऑर्गज्म को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर आप इरेक्टाइल डायफंक्शनिंग एड और प्रीमेच्योर एजेक्युलेशन दोनों को ही महसूस कर रहे हैं तो एड के लिए प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन दोनों ही समस्याओं के लिए असरदार रहेगी। लंबे समय तक बने रहने में अपने पार्टनर की मदद करना। इस सब्जेक्ट को एक टीम की तरह अप्रोच करें। सेक्सुअल परफॉर्मेंस एक सेंसिटिव सब्जेक्ट हो सकता है। अपने पार्टनर को ये बताते हुए इस टॉपिक को सामने लेकर आएं कि आपको उनकी और आपके बीच में शेयर होने वाली इंटिमेसी की अहमियत है। उन्हें ये भी मालूम होने दें कि आप इसे एक ऐसी चीज़ मानते हैं जिसे सिर्फ आप अकेले नहीं ठीक कर सकते हैं। इसकी जगह पर उनसे बोलकर देखें कि आप आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर एक टीम की तरह काम करना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, इसका पूरा जिम्मा सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं है, हम दोनों मिलकर अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश
कर सकते हैं। साथ ही मैं हम दोनों को ज्यादा से ज्यादा खुश करने की कोशिश के ऊपर काम करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूँ। दोष लगाने से बचें, अपने पार्टनर को ऐसा फील कराना कि उनमें ही कोई कमी है, ठीक नहीं है, इसके बजाय आशावादी और कंस्ट्रक्टिव बनने की कोशिश करें। ऐसा कुछ बोलकर देखें कि मुझे तुम्हारी परवाह है और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से जज नहीं कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि हम दोनों मिलकर अपने बीच की फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। नई टेक्निक्स को अपनाते वक्त एकदम खुलकर रहने की और धैर्य रखें। अपने पार्टनर से पूछें कि उन्हें क्या लगता है कि कौन सी चीज काम करेगी। अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से बात करने की कोशिश करें, लेकिन दबाव न बनाएं। नई टेक्निक्स अपनाते वक्त धैर्य रखें और देखें कि आपके और आपके पार्टनर के लिए क्या बेहतर ढंग से काम करता है। उन्हें बताएं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे पूरे होने में वक्त लगने वाला है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। चलो कुछ नई ट्रिक्स अपनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। एक कपल अज थेरेपी लेने के बारे में सोचें। परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई परेशानियों की वजह से रिश्तों के ऊपर एक तरह का तनाव सा बन जाता है। हालांकि इस परिस्थिति को एक टीम की तरह अप्रोच करना फायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सारी फीलिंग्स को लेकर भी ईमानदार रहना होगा, जिसमें आपकी हताशा भी शामिल है। कपल्स काउंसलिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को सुझाने में मदद करेगी और साथ ही उन सारी समस्याओं को समझने में मदद करेगी जो आपकी इंटीमेसी पर असर डाल रही है। आप जब काउंसलिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे हों तो इसे नेगेटिव ढंग से न लें। इसकी बजाय आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, हम दोनों अलग अलग तरह के इमोशंस को फील कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक काउंसलर हमें एक नया नजरिया देने में मदद कर सकता है। अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के ऊपर निकालने के बजाय बेहतर होगा अगर हम अपनी फीलिंग्स को समझ लें।